से ऑटो में जाना होगा महेश्वर फोर्ट के लिए, या तो फिर पैदल जा सकते हो। 60 रुपीज़ में भैया से हमने ये ऑटो किया है जो हमें महेश्वर फोर्ट ड्रॉप करेगा। बहुत दिनों बाद ऑटो में बैठने का मज़ा मिला। वैसे स्वागत है गाइज आपका महेश्वर की पतली पतली गलियों में, और ये हम निकल चुके हैं महेश्वर फोर्ट के लिए। श्री अहिल्या देवी होलकर राजवाड़ा प्रवेश द्वार। एंट्रेंस करते ही आपको ऐसे बहुत से गाइड मिल जाएंगे जो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, भाई लेकिन हम तो गूगल करके आए हैं, इसलिए आज के गाइड हम खुद हैं। और अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। राजवाड़ा की शुरुआत यहाँ से होती है। ये क्वीन अहिल्या देवी होलकर का स्टैचू है। ये है देवी अहिल्याबाई होलकर का राजवाड़ा। ये है सूर्या भाई, आज के हमारे गाइड। ये हमको आज पूरे किले का टूर कराएंगे। चलो सर, सूर्या भाई शुरू करें। चलो सर, कहाँ से शुरू करा रहे हैं अभी? अभी अपन जो है अहिल्या बाई के पैलेस में है, जहाँ उनका निवास होता था। मतलब पूरा हेरिटेज बिल्डिंग है जिसको अपन पूरा देखेंगे। मतलब होलकर मराठाओं का इतिहास है यहाँ से, है ना सर? होलकर डायनेस्टी है पूरा। तो अभी अपन जो जा रहा है अहिल्या बाई के पूजा घर की तरफ जा रहा है, जहाँ मतलब उनका स्वयं पूजा घर होता था, देवघर। प्लेस का बैक साइड इस सारे से होटल भी कन्वर्ट है सर यहाँ। यहाँ एक अहिल्या हेरिटेज के नाम से एक 5-स्टार होटल भी चल रहा है। अच्छा। इस होटल को अभी जो लेटेस्ट राजा है जिनका नाम है शिवाजी राव होलकर, अहिल्या बाई के बाद अभी जो है 12वीं पीढ़ी है अभी जो यहाँ का पूरा देखते हैं। अच्छा, वो उनके ही अंडर है? इंग्लैंड में है, आते जाते हैं इधर। अच्छा, उनके अंडर ही है? ये जो भी अपन होलकर जो पूरा जो ट्रस्ट बना है, होलकर ट्रस्ट, अभी सिरे का जो रख रखाव हो रहा है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। 1767 में उन्होंने इधर स्थापना किया है। स्वर्ण झूला है, गोल्ड का झूला है, जो उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए बनाया ना सर, लिटिल कृष्ण। और नर्मदा के वो शिवलिंग है जो उनको 100 नेचुरल जो प्राप्त हो गए, 108 शिवलिंग है। और पुराणों में इस नगर का नाम जो है माहेश्वती, माहेश्वर आज का नगर नहीं है, ये त्रेता युग की नगरी है, क्योंकि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही इसलिए। और यहाँ का जो अपन प्राचीन मंदिर देखेंगे, उस मंदिर का जो शिवालय है वो परशुराम भगवान ने स्थापित किया है। वो सहस्त्र बाहु वहाँ शिव में विलीन है, और सहस्त्र बाहु जो थे वो त्रेता युग में परशुराम के टाइम। उनका पैलेस देखते हैं। अभी चप्पल नहीं देना है। ये 300 साल पुराना बिल्डिंग है, जो महारानी अहिल्या बाई का निवास है, ये उनका घर है, वाड़ा है। अहिल्या बाई का फेमस होने का कारण ये रहा कि इन्होंने इस नगर में बैठ के उस समय पूरे भारत में काम किए। कहते हैं कि इन्होंने ऋषिकेश से लाके रामेश्वर तक मंदिरों पे काम किया, तो घाट बनाया, कुछ धर्मशाला है। मतलब कहते हैं कि इन्होंने अपना जीवन जो है मानव जन कल्याण की ओर समर्पित किया उस समय, इसलिए इनके नाम के आगे देवी शब्द लगता है ना। महाराष्ट्र की लड़की थी और इस एरिया में बहू के रूप में। अहमदनगर के पास एक छोटा सा गाँव है, ग्राम चोंडी, चोंडी मानको जी शिंदे परिवार में जन्म लिया था इन्होंने। शिंदे परिवार से बिलोंग करते हैं। होलकर मराठा जो है इस फैमिली में बहू के रूप में, एक छोटे से परिवार से थे, रॉयल फैमिली में इनका विवाह हुआ। और उनका फेमस होने का कारण यही रहा कि उन्होंने उस समय इस नगर में बैठ के पूरे भारत को देखा। वो चाहते तो अपने ही एरिया में काम करते ना, एक छोटे से प्रांत की महारानी।
मालवा स्टेट मिला था इनको होलकर मराठाओं को, और इस एरिया में इनको दिया था बाजीराव पेशवा ने सेट किया था इधर। इस एरिया में था मल्हारा, होलकर का काम था सूबेदारी का, फिर राजा नहीं थे, सूबेदार थे, एक सूबेदार थे जो बाजीराव पेशवा ने इनको इधर रखा था। एमपी को उस समय दो भागों में डिवाइड किया था, सिंधिया और होलकर। ग्वालियर में थे सिंधिया, इंदौर राजवाड़े में थे इनके ससुर मल्हारराव होलकर, और गुजरात में थे गायकवाड़, और महाराष्ट्र नागपुर में थे भोसले, पुणे में थे बाजीराव पेशवे, और सतारा में थे अपने छत्रपति। ऐसे इन्होंने अपने पूरे एरिया को डिवाइड किया था, किसका मेंटेन हो, है ना, कोई दूसरा आगे कब्जा नहीं करे। इस हिसाब से उन्होंने एक एक से सूबेदार सेनापति रखे थे। पेशवे ने मेन थे प्रधान पेशवे पुणे में। इसी बिल्डिंग में, इसी पैलेस में फर्स्ट फ्लोर पे उनका विश्राम कक्ष होता था ऊपर, और यहाँ उनका राज दरबार होता था। मतलब यहाँ बैठ के वो जो है लोगों की जो है समस्याएं देखते थे ना। तो ये छोटे से कहते हैं कि इनका शासन काल उस समय विधवा अवस्था पे था, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे राजस्थान कुंभलगढ़ युद्ध लड़ाई में मारे गए वीर गति को प्राप्त, मतलब 29 ईयर्स की आयु में अहिल्या बाई विधवा हो गई थी, दुर्भाग्य की बात है। उसके कुछ समय बाद इनके पुत्र मालेराव भी 22 साल में चल बसते हैं, अपनी बेटी को सती होते हुए देखा, सास ससुर भी ओक हो जाते हैं। कहते हैं कि इनका जीवन जो थे थोड़ा सा पारिवारिक सुख नहीं मिला इनको, दुखी अवस्था की ओर था, मतलब शुरू से एंड तक। तो दुखी जीवन था, इसीलिए अहिल्या ने जो है इंदौर को छोड़ के इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। 28 साल उनका शासन यहाँ से रहा महेश्वर, और यहाँ रही वो 28 साल रही वो, 1767 से 1795 के मध्य उन्होंने इसी कैंपस से रूल किया महेश्वर। महेश्वर को चुनने का कारण यह था कि रानी अहिल्या चाहती थी कि मैं किसी धार्मिक स्थल से रूल करूं जो शिवनगरी हो, तो इंदौर के पास में जो नज़दीक एरिया था वो यही था जो नर्मदा के किनारे है और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही, और महेश्वर पुराणों में इस नगर का नाम महेश्वती मिलता है, इसलिए उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया। अहिल्या बाई ने जो साड़ी पहन रखी है ये महेश्वरी सिल्क हाथ की बनी साड़ी होती है, और इस नगर में महेश्वरी साड़ी का जो उद्योग जो आया था वो यही लाई थी अहिल्या बाई इस नगर में। तो क्या हुआ था कि उस समय यहाँ के महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं होता था, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें आई, तो उन्होंने बाहर से बुनकर बुलाया और यहाँ के लोगों को सिखाया। तो आज कहते हैं कि महेश्वरी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और जो इस नगर से बन के जा रहा है, और यहाँ के 50% लोग जो है वो यही काम करते हैं। आज यहाँ का मेन उद्योग बन गया है महेश्वरी सिल्क, से हजारों लोगों का परिवार चलता है, जो अहिल्या बाई ने इस नगर में ये स्टार्ट किया था। यहाँ शिव पंचायत है, 5 मंदिर है ना, okay. पंचायत इधर जूते उतारना होगा, और इस मंदिर का जो शिवलिंग है परशुराम भगवान ने स्थापित किया है। ये मंदिर आज से नहीं है, यहाँ त्रेता युग से है। हाँ, और इसी मंदिर में सहस्त्र अर्जुन जो है वो शिव में विलीन है, शिव में समाहित है। तो कहते हैं कि यहाँ शिव और विष्णु दोनों की पूजा है, हरि हर मिले। हाँ, और आसपास जो 5 मंदिर है यहाँ शिव पंचायत है, तो जो सारे शिव फैमिली होते हैं ना, शिव पंचायत है विराजमान है। और मेन टेंपल है ये बीच में जो ऑरेंज वाला है ना, मतलब ये मेन टेंपल, मेन टेंपल है बीच में, और यही 11 दीपक है। सूर्या भाई का साथ हमारा बस यहाँ तक ही था, यहाँ से अपना शुरू होता है गूगल का ज्ञान। ये जो स्पॉट आप अभी देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सी बॉलीवुड मूवीज का शूटिंग हुआ है, जैसे कि दबंग 3 है, पैडमैन, बाजीराव मस्तानी, देन तेवर, इन सब मूवीज की शूटिंग जो है वो यहाँ पे हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट GRA एक्सप्लोरर का जो ब्लॉग आ रहा है उसकी शूटिंग भी यही हुई है। कमेंट करके बता देना कैसे लगा। यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है जो हमें नदी का चक्कर काटती है, और जो बीच में जो आइलैंड टाइप में एक मंदिर दिख रहा है शिव जी का, वहाँ लेके जाती है। चलो उसका एक्सपीरियंस करते हैं। We'll be right back.
नर्मदा नदी के बीचों बीच ये मंदिर है। हर हर महादेव, नर्मदे हर। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यही है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए